भारत बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति, राजनीति में कद काफी मजबूत, टूडो की निकली हेकड़ी, बदले सुर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने भारत से गतिरोध के बीच कहा है कि कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। टूडो ने एक बार फिर कथित आरोपों को लेकर कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के विश्वसनीय आरोपों के बावजूद कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आयकर के छापे के बाद फिर मुसीबत में आजम खां, क्या अब छिन जाएगा सपा कार्यालय? आजम खां के कब्जे से जौहर शोध संस्थान की इमारत खाली कराने के बाद अब सपा कार्यालय खाली कराने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि लीज की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, अब इसको लेकर कार्रवाई की तैयारी भी हो रही है। भारत खुद बोल सकता है टूडो के आरोपों पर अमेरिका की दो टूक, दोहराई जांच में सहयोग की अपील। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित कनाडाई आरोपों और चल रही जांच के बारे में भारत खुद बोल सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत से कनाडाई जांच में सहयोग कराने का आग्रह किया है। बता दें कि निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में दरार पैदा हो गई। सालार वालों ने अनाउंस कर दिया, पिक्चर 22 दिसंबर को ही लाएंगे। प्रभास की फिल्म सालार की रिलीज डेट फाइनली अनाउंस हो गई है। इसे 22 दिसंबर 2023 को रिलीज किया जाएगा। मतलब ये तय है कि सालार का क्लैश शाहरुख खान की डंकी से होगा।